जो गुप्त नवरात्र है ये अलग ढंग से अलग तरह की चीज़ों के बारे में होता है और उसका एक अलग सिस्टम है। वैसे नाम डालने से ऐसे तो सारे लोग अभी बोलना शुरू कर देंगे, सबके नाम डालना मुश्किल हो जाएगा, वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। और कैंसर वगैरह जो है ये एकदम से इसकी स्टेज नहीं होती, बहुत पहले से आपको इसकी चीज़ें चल रही होंगी। पहले परामर्श डॉक्टर का और चीज़ों का लें, चूँकि मैं गलत चीज़ों के वो आपको नहीं देता हूँ। किसी और ने मुझे लिखा कि जी ये उल्टी तो आपका संकल्प आप हमें बताए नहीं, गुप्त नवरात्र में आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। आप किस चीज़ की चाहते हैं आपने बता दिया, ये काम होने में शंका हो जाती है, ये काम पूरा होने में संदेह पैदा हो जाता है। ये हम पता नहीं किस भावावश में या किस तरह से करना चाहते हैं। सच्ची बात तो ये कहूँ कि आप चाहते ही नहीं हैं कि वो ठीक हों, ये देखिए बड़ी अजीब सी बात हो गई, क्योंकि अगर चाह रहे होते तो आप बताते नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आपके जीवन में गोपनीय हैं वो कभी बताते नहीं। आप प्रेम को गोपनीय समझते हैं, बताते हो क्या? आप यहाँ लिखिए ना कि फलानी स्त्री को मुझसे प्रेम है, जरा उससे कहिए कि मेरी तरफ देखने लगे, आप कभी नहीं लिखेंगे। इतना ज्ञान आपको प्राप्त है, पता नहीं किस स्कूल में पढ़ा है या कोई और, बहुत सारी चीज़ें। हम फलाने आदमी को जो है 100 रुपये लगा कर क्या शेयर मार्केट में और हमारे 10,000 हो जाएं, ये कभी नहीं कहेंगे आपके, ज़रा से यहाँ लिख दीजिए कि उसमें जो है हमारे 10,000 की, और जब 10,000 प्राप्त हो जाएंगे कभी नहीं बताएंगे क्या 10,000 प्राप्त हो गए हैं, अब ज़रा सब लोगों को बता दीजिए। तो आपको पूरा ज्ञान है क्या बताना है क्या नहीं बताना है। संकल्प नहीं बताया जाता है, कई बार संकल्प बताने से पूरा नहीं होता है। कुछ एक दो लोगों ने और भेज दिए हैं, उनके संकल्प नहीं होंगे पूरे। मैंने तो कहा था कि पैसा लौटा दीजिए, उनको वापस कर दीजिए पैसा। संकल्प आप अपने हृदय में रखिए, हमें विटनेस मत बनाइए उस चीज़ की, अपने दिल में रखिए। यहाँ पर हमारे कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए ये काम नहीं करते हैं कभी भी, ना हमें कुछ इसकी ज़रूरत होती है और ना आपको भेजना चाहिए। आप सिर्फ अगर उसको ठीक से समझते हैं किसी व्यवस्था को, तब आपको करने की आवश्यकता होती है, वरना मत करिए, क्योंकि ये गुप्त चीज़ है, इसको गुप्त ही रखेंगे। अपने हृदय में रखिए ना इतनी सारी बातें, अब हमें मत बताइए। और बता रहे हैं तो वो क्योंकि 10 लोगों ने पढ़ लिया। देखिए, आपने लिखा कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति को आपने मैसेज भेजा या कहीं बताया, वो कह गया तो घोड़े तांगे के लायक भी नहीं है, साइकिल के लायक तो योग्यता रखता नहीं, इसके होनी चाहिए मर्सिडीज, कट हो गया आपका ये काम। इसी को तो भांजी मारना बोलते हैं, इसी को टोना टोटका, इसी को टॉक बोलते हैं, इसी को बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। आप कह रहे हैं मैं हवाई जहाज में बैठ करके अमेरिका पहुँच जाऊँ, वो कह रहे गाँव में घूमने लायक क्या अकल नहीं है इसको, अमेरिका जाके क्या करेगा। तो ये संकल्प आप अपनी पात्रता के हिसाब से निश्चित करें कि आप क्या कर सकते हैं, तो उस तरह से चीज़ें चलती हैं। या और बहुत सारी चीज़ें कई बार हमारे जीवन में शामिल होती हैं, तो वो आपको बताना नहीं है। ये थोड़ी सी अगर बताना है तो आपसे कहते ना कि अपना संकल्प हमें भेजिए, हमने सिर्फ फैमिली ट्री की बात की थी कि अपने परिवार के बारे में विवरण भेजिएगा। अपने संकल्प को क्यों बता रहे हो, वैसे तो कभी नहीं बताया आपने, इतने अब की बार पूछूंगा तो आप बताएंगे नहीं, ये तो मुश्किल है आपके साथ। अभी ज़ाहिरा गुरु पूर्णिमा पर संकल्प पूछूंगा तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अब ये जो ये कलाकारी है ये परिणामों से दूर रखती है एक्चुअली। इसमें हम चलाने की कोशिश करते हैं गुरु को, ईश्वर को, उन शक्तियों को, उन चीज़ों को, आप नहीं चला सकते हो। आप 10 जन्म बाद भी जो सोचोगे वो आपके शक्ल देखते हमारे समझ में 1 सेकंड में आ जाता है। तो अब ये कहने से थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो जाती है, पर सच्चाई यही है। तो उसको ध्यान में रखें, हमारी सद्भावना है, हमारी शुभेच्छा है, सारी चीज़ें हैं। आप अपनी तरफ से बाकी काम करिए। आप किस अनुष्ठान में आए हैं, आपके पतिदेव किस अनुष्ठान में आए हैं, आपने कोई क्रियाकर्म कोई कृत्य किया, ये तो आपने कुछ किया कभी किया ही नहीं। तो देखिए एकदम लास्ट स्टेज में आप पहाड़ से आदमी सरक रहा है, पहाड़ तक कैसे पहुँचे उस पर ध्यान दो। और क्या बाकी काम सिर्फ पहाड़ पर्वतारोहण के लिए किया है कि वैष्णो देवी भी गए हो? देखो मैं तो ऐसी ही बात समझाऊंगा आपको, जब पुण्य का सृजन है ही नहीं, आपके पास FD पुण्य की है ही नहीं, तो उसे भुनाओगे कैसे? काम तो किया है बहुत कुछ। भगवान श्री कृष्ण अपने बेटे का कोल्ड ठीक नहीं कर सके थे, जो काम जो कल जो शुरू होगा, किडनैप करके रख लिया था नीलांजना देवी ने असम में उनको, बट निकाल नहीं पाए थे बाहर। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो परमात्मा की परिधि से परे हो जाती हैं। उन्हीं के सामने लूट लूट के गोपियों को ले गए थे, खड़े देखते रह गए थे अर्जुन और कृष्ण दोनों, जिनके गांडी प्रत्यंचा चढ़ ही नहीं रही थी। तो समय है हर चीज़ का। तो आप ये देखें कि और पुण्य का सृजन, पुण्य का अर्जन समाप्त कर लिया था महाभारत में सारा। तो चीज़ें हम कहाँ खर्च कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके गलत अभिप्सा पैदा होती है, गलत अभिप्साओं से गलत संवेदनाएं जन्मती हैं, और गलत संवेदनाएं हमेशा दुख का कारण होती है। जब आप गलत तरह का प्रक्षेपण हमारे साथ स्थापित करते हैं तो आपको दुख होता है उससे। आप कभी नहीं सोचते कि हमने गलत व्यवस्था सोची थी या गलत इच्छा की कामना की थी। तो ये हमें समझना चाहिए, विषय पर ही कोई बात समझाई या बताई जा सकती है, तो ये आप ध्यान में रखें तो बेहतर होगा। और ये भी आप ख्याल में रखिएगा कि भगवान जी भी ऐसे नहीं हैं कि आप 10 का नोट चढ़ा करके सोचें कि मुझे जो है 10 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो जाए। थोड़ा सा बिजनेस उनकी भी समझ में आता है, तो कुछ तो
कहीं लाभांश और वो देवांश और भाग्यांश रखोगे ना, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं, ये भी हमें ख्याल में रखना चाहिए। और ऐसे इससे अच्छा ये है कि ऐसी रुग्ण संकल्पों से हम ऐसी व्यवस्थाओं में भाग ही ना लें तो भी अच्छा रहता। तो आप इससे बहुत लाइवली और बहुत हार्टली इन चीज़ों को समझेंगे तो हमें आपके साथ में काम करने में और आपकी चीज़ों को सही दिशा में आगे ले जाने में मदद मिलेगी और प्रसन्नता भी होगी। अभयम् भयम् भजे।